अस्सलाम वालेकुम जी, दुरूशी पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करते हैं आज की अपनी वीडियो का आगाज। क्या हाल है आप सबको? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। गर्मियाँ कैसी जा रही हैं आपकी? ईद बहुत ही करीब है, बस चंद ही दिन रह गए हैं। आज यकम जिलहज है और आप सबको ईद का चांद और यकम जिलहज बहुत बहुत मुबारक हो। खुश नसीब है वो लोग जो हज करने के लिए गए हैं। अल्लाह ताला हमें भी और आप सबको और मुझे भी अपने दर पे बुलाए। उम्मीद है अल्लाह ताला बहुत जल्द इंशाल्लाह असबाब भी पैदा कर देगा, क्योंकि उसके पास और उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरी बहुत ख्वाहिश है जी और आप सबके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको भी लेकर जाए, उमरा करें, हज करें और बार बार अल्लाह ताला अपने घर पे बुलाए। अच्छा जी, आज जो है वो मैंने सोचा है कि आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं। जैसा कि आप सब अब मेरी फैमिली बन चुके हैं, मैं सारी अपने अप्स एंड डाउन आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ मैंने चीजें ऐसी व्लॉग्स वगैरह घर के हवाले से, यानी कि जो मैं कुछ रेसिपी मुझे आती है किचन की, वो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा मेकअप, होम रेमेडीज और इसके अलावा हर्बल रेमेडीज, ये सारी चीजें तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप लाइक करते हैं और आप सबका बेहद शुक्रिया जो आप लोग मेरी वीडियोज को देखते हैं। अपने सब्सक्राइबर की मैं बहुत मशहूर हूँ, उनका बहुत साथ है जी मेरे साथ और उनके साथ से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और आज एक बहुत अहम बात थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ मैं जरूर शेयर करूं। तो गर्मी काफी चल रही है लेकिन ये है कि हम लोगों को चाय पीने की आदत है तो इससे हटके रह नहीं सकते। मेरा थोड़ा सा चाय का भी टाइम था, आप लोग उम्मीद है पी चुके होंगे, तो मैं जरा साथ साथ घूंगे भी भर लू। हाँ जी, सुनाए कैसे हैं आप? आपके यहाँ गर्मी का मौसम कैसा चल रहा है? और आम शाम तो आपने खूब खाए होंगे, क्योंकि गर्मियों के मौसम का जो आम फल है फलों का बादशाह, सबको बहुत पसंद है और हमारे घर में भी जूस वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन शायद जिनकी चाय गिजा हो ना, वो इस चीज को बड़ा लाइक करते हैं। खैर, मैं मुझे चाय बहुत पसंद है और आप भी बताएं कमेंट बॉक्स में किस किस को चाय पसंद है जी। अच्छा, आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो मेरी जिंदगी की एक बड़ी कामयाबी है, बड़ी खुशी है, क्योंकि मेरे जिंदगी के जो वाकयात गुजरे हैं वो मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं किए यूट्यूब पे। तो ये जो मेरी खुशी थी जी, जो पहली, क्योंकि मैंने 2 साल का ये मेरा सफर था, आप लोगों के साथ चलते चलते मैं इस मुकाम पर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके बाद अगर आप कहेंगे, अगर आपका मेरे साथ इसी तरह से प्यार मोहब्बत खुलूस रहा, आप लोगों ने कहा, तो मैं आपके साथ अपनी लाइफ की स्टोरी जो है, हर इंसान की जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो इंसान किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे, आप लोगों का दिल करेगा, तो मैं इंशाल्लाह वो सारी बातें भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग इस चीज पर इसरार करेंगे फिर। वरना मैं सिर्फ व्यूज लेने की खातिर ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती जिसपे लोग ये कहें कि सिर्फ शायद ये व्यूज लेना चाहती है। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत मुखलिस हैं, चलते हैं मेरे साथ, मेरी बात को समझते हैं, उनके कमेंट्स जो हैं वो मुझे हौसला अफजाई देते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मैं मजीद वीडियोस बनाती हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह से दिन रात बढ़ रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मशहूर हूँ आपकी। अगर आप लोग साथ ना देते तो शायद आज मैं ये जो मुकाम मुझे हासिल हुआ है, मैं ये कभी भी हासिल ना कर पाती। इंसान की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां होती हैं, अगर वो इनको ही सेलिब्रेट करे, इनको लेकर चले, तो मजा आता है। और हमारी फैमिली ऐसी है कि हम अपनी छोटी छोटी खुशियां जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि देखिए परेशानियां हम तो इंसान की लाइफ में खुद ब खुद भी आ जाते हैं। खुशियां अगर आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, उन पे ज्यादा तवज्जो देंगे, तो वो आपको जो आपके मसाइल हैं वो कम महसूस होंगे। तो मेरी आज एक खुशी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और ये भी बताऊंगी कि यहां तक पहुंचने में मेरे साथ एक अल्लाह की जात तो मेरी थी ही थी। वो जाहिर बात है कि हर इंसान उसी पे तवक्कल और यकीन रख के आगे बढ़ता है, अपनी मेहनत करता है, और उस मेहनत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, आपको हौसला देते हैं, आपको आपकी हेल्प करते हैं कि आप सब लोग जो है वो इस काम में मेरी आपकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से आप कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं कि ठीक है, ये काम अगर सब लोग मुझे हौसला दे रहे हैं तो मैं ये काम जो है वो करता हूँ। सबसे पहले तो घर वालों की सपोर्ट होती है, अगर घर वालों की सपोर्ट ना हो तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसमें जी मेरी सपोर्ट जो है वो मेरे भाभी की बहुत ज्यादा सपोर्ट है, अल्लाह ताला उनको आबाद रखे, खुश रखे।
सबसे पहली बात। उसके अलावा YouTube पर जब मैं आ गई, मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मैंने मेकअप वगैरह स्टार्ट किए, तो मॉडल्स की आपको पता है हमारी कम्युनिटी थोड़ी सी ऐसी है कि जहां पे मॉडल्स वगैरह मिलना बड़ा मुश्किल है। बाय चांस ये था कि मैं जो हुमैरा थी उनकी भी वीडियोस वगैरह देखती थी, तो उन्होंने एक वीडियो में ये कहा कि उन्हें किसी मेकअप आर्टिस्ट की तलाश थी, उनकी एनिवर्सरी थी, उनसे मेरी बातचीत हुई। बस इस तरह बातचीत चलते चलते मैं उन तक पहुंची हमारी। फिर आपको पता ही है कि जैसे जैसे मुलाकात हुई उनको मेरा काम अच्छा लगा। एक बात कि उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल मुखलिसाना रवैया रखा, ना मैंने उन्हें कुछ दिया ना उन्होंने मुझसे कुछ लिया और ना कभी मांगा, और इतना उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी वीडियोस भी लगाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाया, अपने व्यूवर से भी कहा। वरना इतने बड़े जो यूट्यूबर होते हैं ना, वो इतने छोटे से यूट्यूबर का बिल्कुल भी इस तरह से, वरना मैंने उनके खिलाफ बड़ी वीडियोस देखी हैं, वो इस तरह से उनके साथ नहीं चलते। लेकिन मैंने जैसा उनको पाया है, मैं तो वही बात कहूंगी। और आज आप सबकी दुआओं से, आज आप सबके साथ से, हुमैरा का भी बेहद शुक्रिया, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। आप सबकी दुआओं से आज मेरी जो है वो गूगल की एडसेंस की पिन आ गई है। ठीक है जी, मैंने देखी अभी तक ओपन नहीं की, ये मेरी बहुत बड़ी खुशी थी। मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ ही मैं ये अपनी खुशी शेयर करूंगी, तो इसलिए आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सबकी और दुआगो हूँ आप सबके लिए भी। आप सब मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मजीद कामयाब करे अपने काम में, और मेरी मेहनत को आप सब लोग कबूल करते हैं, उसको देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी मेहनत से ही आगे इस मुकाम तक आता है। जैसे कि आपको पता है कि मैं काफी बिजी थी पिछले दिनों, मैं ए प्लस पे भी गई, फरा सैलॉन भी गई, ये सारे मेरे सिलसिले चल रहे थे, तो मैं अभी हाल ही में इस्लामाबाद से वापस आई हूँ। तो इंशाल्लाह, वरना मैं ये वीडियो हुमैरा के साथ ही मिलकर बनाती, तो ये था कि मैं उनके साथ ये वीडियो नहीं बना सकी, तो आज ये मैं फिर घर नहीं बना रही हूँ। आगे ईद भी करीब है, इंशाल्लाह ईद के बाद मैं जब जाऊंगी तो ये सारी बातें उनके साथ भी शेयर करूंगी, फिर हम मिलकर एक अच्छी सी वीडियो आप सबके लिए बनाएंगे। और दोबारा से आप सबका बेहद शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। उसके अलावा हज का महीना है, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हज पे लेकर जाए। तो अब ये मैं इसे करने लगी हूँ आप सबके सामने ओपन। ठीक है जी, ये मैं ओपन करने लगी हूँ। चलें जी इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी आपके प्यार और मोहब्बतों और दुआओं का नतीजा। ठीक है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में इस तरह से काम करना और इस तरह से आगे बढ़ना बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी पहचान के बहुत मुश्किल था। लेकिन आप लोगों ने मेरे काम को पसंद किया तब ये मुझे मिला है। ठीक है, वरना अगर आप लोग मेरे काम को लाइक ना करते तो ये बहुत मुश्किल था। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी भी चीज थी। इंशाल्लाह मजीद मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। आप सबके साथ का, आप सबकी मोहब्बतों और प्यार का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें जी, और जाके मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लें। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर आती हूँ, इंशाल्लाह मजीद लेकर आऊंगी। अल्लाह हाफिज़।